टीआई को गोली मारने वाले आरोपी सब इंस्पेक्टर को मिल चुकी है 71 बार सजा। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा शहर के सिविल लाइन थाने में पदस्थ टीआई को एसआई ने गोली मार दी थी। गोली मारने वाला एसआई बीआर सिंह को विभाग से 71 बार सजा मिल चुकी है। घटना के बाद आरोपी को बर्खास्त कर दिया गया है। आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपी एसआई बीआर सिंह विवादों में रहने वाले पुलिस अफसर रहे हैं। वो जिस थाने में रहे, अपनी कार्यप्रणाली के चलते विवादों में घिरे रहे। पुलिस विभाग के पास आरोपी एसआई बीआर सिंह की 71 से ज्यादा शिकायतें थी, जिसके चलते वह 71 बार सजा पा चुके हैं और कई बार लाइन हाजिर किए गए हैं। इसके बावजूद भी ऐसे सनकी अफसर को थाने में क्यों पदस्थ किया गया, यह जांच का विषय है। आरोपी का ट्रांसफर 4 दिन पहले पुलिस लाइन किया गया था। इस बात से नाराज एसआई ने ट्रांसफर कराने का आरोप टीआई पर लगाया और इसे गोली मार कर घायल कर दिया। आरोपी एसआई बीआर सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर 307 का मुकदमा कायम कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है और साथ ही पुरानी घटना की जांच कराई जा रही है और साथ ही पूरी घटना की जांच कराई जा रही है। कल दिनांक 27/7 को थाना सिविल लाइन टीआई हितेन शर्मा के ऊपर सब इंस्पेक्टर बीआर सिंह द्वारा सर्विस रिवाल्वर से फायर किया गया, जो कि उनके बाएं कंधे में थोड़ा नीचे लगा। इस घटना के ऊपर आरोपी बीआर सिंह के ऊपर 307 धारावी के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। साथ ही उनके द्वारा किए गए इस कृत्य को देखते हुए, साथ ही इनके पूर्व का जो कंडक्ट है उसको देखने के उपरांत इनके खिलाफ प्राथमिक जांच हुई और इन्हें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सर, इनके पास 2 रिवॉल्वर मिली है, वो है क्या? इसके संबंध में एक अधिकारी के पास 2 रिवॉल्वर कैसे हैं, उसके लिए पृथक से जांच कराई जा रही है। 24 साल की नौकरी में लगभग 74 मामले, चूंकि थाने में पदस्थापना पुलिस अधीक्षक के द्वारा की जाती है, वह कैसे वहां पर थे यह भी देखा जाएगा। कब से थे, कहां थे पहले, क्या क्या था। आप जो कह रहे हैं कि 74 मामले हैं इनके ऊपर, तो मामले तो नहीं है 74, ऐसा हमें पता है। 71 बार इनको इनकी गलतियों के ऊपर इनके अधिकारियों द्वारा दंडित किया गया है।